हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टुडे वी आर गोइंग टू डू ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटीज दिस इज कंडीशनल आइडेंटिटीज आइडेंटिटी का मतलब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं एन इक्वेशन व्हिच इज ऑलवेज ट्रू नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल आइडेंटिटी तो व्हेन आई से कंडीशनल आइडेंटिटी आई मीन आइडेंटिटी विद अ कंडीशन विद एन अंडीशन अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो दिस इज आईन आइडेंटिटी मतलब ऑलवेज ट्रू अदरवाइज नॉट ट्रू फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर गिवेन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाए मतलब एबीसी थ्री एंगल्स हैं उनका सम पाए है सम पाए है इसका मतलब वो ट्राइंगल की एंगल है आप बोल सकते हो तो यू मे बी गिवेन की ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पा इन ट्राइंगल ए बी सी कोई भी स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है सबका मतलब यही है अब अगर मैं दोनों साइड टैन ले लेता हूं तो टैन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला वैसे तो हमें पता है बट नहीं यूज करने का सो वट आई एम गोइंग टू डू इसी को साइड ले क्योंकि दो दो का फॉर्मूला पता है हमें तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है मतलब 2 है। 2 है तो चेंज नहीं होगा क्वाड्रेंट देखोगे सेकंड है सेकंड में टैन नेगेटिव होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आई विल गेट टेन ए प्लस टेन बीक्वल्स टू माइनस टेन सी प्लस एन बी अब ये माइनस टेन सी को इधर लाएंगे सो वॉट आई विल गेट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टू टेन ए इ टू टेन बी इंटू टेन सी अब <coughs> ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मतलब ट्रायंगल के एंगल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देर इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल हाउ मेनी एंगल्स आर पॉसिबल ए बी सी के वैल्यूज के कितने ट्रिपलेट्स हो सकते हैं दे आर इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स ऑफ ए बी सी ए का कोई भी वैल्यू ले लो जीरो से वन के बीच में यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ बी एंड सी सो दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन बट इट इज नॉट आइडेंटिटी बिकॉज अगर मैं सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी ले लेता हूं तो काम नहीं चलेगा हां अगर इस कंडीशन को सैटिस्फाई करा के एबीसी लोगे देन इट विल बी ट्रू फॉर ऑल सच केसेसन से ए प्लस बी प्लस सी जो अगर पाए है मतलब ट्राइंगल के एंगल के लिए यह आइडेंटिटी है टिटी so, लेकिन आइडेंटिटी है क्वेश्चन में अगर थ्री एंगल्स और टैन दिया होगा ना तो वैसे तो मैंने बोला है मल्टीपल एंगल और टैन का क्वेश्चन अगर होता है तो एंगल्स में कोई ना कोई रिलेशन होता है वो रिलेशन लिख करके दोनों साइड टैन ले लेने का यूल गेट आंसर बट अगर थ्री वाला है ना ऑलमोस्ट ऑलवेज ये केस होता ही है थोड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं मैं अगर ये एन पाई होता तो ये एन पाई माइनस सी आता तो ये एन पाई माइनस सी आता और टेन एन पाई माइनस सी क्या होता है वो भी माइनस टाइन सी होगा क्योंकि एन अगर ऑड हुआ ना तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस सी यहां आता और इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस यहां आता दोनों में टैन तो निगेटिव ही होता है सो नॉट गोइंग टू मेक इन ए डिफरेंस स्टिल इट विल बी ऑल से। इसका मतलब कि अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो भी उनका टैन का सम ऑफ प्रोडक्ट सेम होता है और एन पाई है तो भी ऐसा ही होगा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पर लेटमी सॉल्व फॉर यू टैन फाइव एक्स माइनस टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स इक्वल्स टू टेन फाइव एक्स टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स प्रूव करना है या बोल सकते गिवन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वी आर गिवन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और यू आज की प्रूव दैट दिस थिंग सो आइडिया इज कि एंगल्स में रिलेशन है येस yes.

थ्री एंगल्स होते हैं ना तो ऑलमोस्ट ऑलवेज उनका सम एन पाई ही होता है डू सी हियर इनका सम क्या है तो पाई जरूरी नहीं है हो सकता है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज एन पाई बाई टेन के लिए बट हमेशा नहीं होगा साउ वॉट हाउ आई कैन से इट विल ऑलवेज बी एन पाई ऑलमोस्ट ऑलवेज बिकॉज लेट मी शो यू tan 3x minus co i am going to write tan minus 3x is that okay because tan minus theta is minus tan theta plus tan minus 2x because tan minus theta equal to minus tan theta now what do you see is the sum of angles 5x plus माइनस थ्री एक्स प्लस माइ ये तो जीरो आया हा जीरो भी तो एन पाई है जीरो इंटू पाई एन पाई और अगर इन एंगल्स का सम एन पाई है तो इट हैज टू बी आई कैन सी एज दिस सो दिस विल बी इक्वल टू ये सम है दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट टेन फाइव एक्स टेन माइनस थ्री एक्स

क्वेश्चन बनाने का पर्पस क्या है यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर क्वेश्चन का पर्पस समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से होगा अदरवाइज अपने पास ये बेसिक मेथड भी है ऑलवेज राइट और रिलेशन और दोनों साइड टैन लेंगे एंड गेट वैल्यू सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटी दैट यू हैव और टैन में एक ही आइडेंटिटी है बाकी और भी तो मैनुपलेशन से आते रहते सेकेंड टैन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है टैन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला इज टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी आई कॉल इट एस वन बी कॉल इट एस वन यू कैन कॉल इट एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू नाउ टेल मी टेलमी वैट ये है टैन ए प्लस बी प्लस सी एस वन का मतलब एक एक टैन का सम मतलब टैन ए टैन बी और टैन सी तीनों का सम एस थ्री मतलब तीन तीन का सम तीन तीन में क्या आएगा एक ही आएगा टैन ए टैन बी टैन सी एस टू मतलब दो दो टैन का सम दो दो टैन के प्रोडक्ट का सम इसमें हमारे पास थ्री है टन एन आई है दोनों में क्या आएगा टेन ए टी टैन बी टैन सी टैन सी टेन ए सो वो टम गोइंग टू राइट इज इजी प्लस टैन सी माइनस टेन ए टेन बी टैनसी डिवाइडेड बाई वन माइनस टू टू का सम मतलब टेन ए टेन बी प्लस टैन बी टैन सी प्लस टैन सी टैन अच्छा एक चीज बताओ ए बी सी सबको अगर मैं थीटा पुट कर देता हूं सो टैन थ्री थीटा का वैल्यू क्या होगा टैन थ्री थीटा का वैल्यू हो जाएगा टैन थीटा टैन थीटा टैन थीटा इज थ्री टैन थीटा टैन थीटा टैन टैन थीटा दैट इज क्यूब थीटा इस बार ये प्लस में था ये इनटू में है अपॉन वन माइनस

कितने भी एंगल्स हो मल्टीपल एंगल हाउ यू वॉन्ट आंसर इज ऑलवेज लाइक ध्यान से देखना ऊपर सारे ऑड सफिक्स वाले होंगे ऑल्टरनेट प्लस माइनस एस वन माइनस एस थ्री प्लस ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या आएगा एस फाइव माइनस एस सेवन एंड सो ऑन और नीचे वन माइनस सारे इवन वाले होंगे ऑल्टरनेट प्लस माइनस स्टार्टिंग विद वन एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स प्लस एस एट एंड सो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है बिकॉज यू नो एस वन का मतलब एक एक का सम एस थ्री मतलब तीन तीन के प्रोडक्ट का सम फाइव का सेवन का एंड सो एट मैक्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी नीडिंग प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी जरूरत होगी नीड ऑफ दिस दिस वॉज सिंपले कंडीशनल आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल सा है नेक्स्ट आइडेंटिटी आर इन साइन एंड कॉज दे आर गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट पार्ट सो Stay focused and stay tuned.